अवलोकन करते, अब जैसा पूछती हैं दासियां वैसे पूछी, कही कही अम्मा ने डपटा उसको, जो समाचार लाई हो इसको प्रसन्न मुख देना चाहिए, रुदन करके दे रही हो, मेरे ज्येष्ठ राम का अभिषेक महोत्सव मन रहा है, उनको तिलक होगा, इंदिरा को लगा बात उल्टी पड़ रही है। कैके अम्बा ने कहा देखो मैंने परीक्षण लेकर के देखा है राम जी का, सभी माताएं उनको समभाव से प्रिय हैं, परंतु मेरे में तो राम जी का आत्यंतिक प्रेम है, मोह पर करहिं स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, उनके अभिषेक से तेरे को क्या साल है, मैं तो भगवान ब्रह्मा से ये वर मांगती हूं, जो विधि दे जन्म करी छो हो सिय पतो। यदि भगवान ब्रह्मा हमको कृपा करके अगला जन्म दें तो राम जी हमारे अंक से पुत्र जन्मे और सियाजू हमको पुत्र वधु रूप में प्राप्त हो, ऐसा मांगती हैं कई कई अम्बा। श्री अयोध्या जी में आप जब दर्शन करने जाएं तो जो कनक भवन जहां हमारे सरकार माँ के संग में आज विराज रहे हैं, ये माँ ने ही सीता मैया को मुंह दिखाई में भेंट किया था, बहुत प्रेम, बहुत लाड़, बहुत स्नेह। परंतु यहां कथा का सिद्धांत ये कहता है कि जीवन में सदैव कुसंग से सावधान रहना चाहिए, को न कुसंगति पाई नसाई रही न नीच मते चतुराई। मंथरा बोली देवी आप जो कहती हो सत्य तो यही है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है, अपने प्रिय के बारे में कोई बतावे तो कान बंद रखने का आदत डाले, कान में बात पड़ेगी तो कुछ न कुछ उत्पात अवश्य करेगी, प्रिय के बारे में कोई बहुत ही समाचार लाने वाला हो तब भी बचना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, अपनी दृष्टि से देखें, दूसरे की दृष्टि पर विश्वास करेंगे तो अपनी दृष्टि से दिख रहा है वो देखना बंद हो जाएगा। कोई आपके प्रिय आपके अत्यंतिक प्रेमी के बारे में कान में कई बार कहे तो वहां विभेद उत्पन्न होने लगता है, वहां उत्पात होने लगता है, कर्ण पुटों को संभाल के रखा जाए, चाहे जो कह दे। और जैसा कह दे नहीं, जगत जानता है, आप सभी जानते हैं, गुरु भांति प्रबोधन किया मंथरा जी ने और क्या क्या दिखाया कैकेयी अम्बा को, ऐसा चित्र दर्शन कराया कैकेयी मैया दलक गई। अभी देखो तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, योजना बनाकर महाराज ने एक नहीं महीनों तैयारी की है, भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और ये साज सजा दिए, क्या वो इनके पुत्र नहीं है,
इसमें सारी बुद्धि आत्यंतिक प्रसन्नता में महाराज ने वचन दिया था, आज वो वचन जैसा कहा मंथरा ने, कई कई माँ अपना 16 साज उतार कर मोटा वलकल रुष्ण धारण करके कोप भवन में चली गई। मंथरा ने समझाते समय एक बात बड़ी अद्भुत कही, विचित्र कही, टेढ़ी कही। महाराज जब राम जी की शपथ उठा लें तभी मांगना जिससे वचन टड़े नहीं। इसको आप कह सकते हैं भगवान की इच्छा, भगवान की ही रचना है। राजपाट के सारे कार्य व्यवहार पूर्ण करके महाराज जब संध्या वेला में कैकेयी अम्बा को बताने के लिए आए, दासी से पूछे राजरानी कहाँ है, दासी ने कहा कोप भवन में है। हाँ? कोप भवन सोनी सको तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।